हरे कृष्णा दोस्तों, दोस्तों आज हम भगवान श्री कृष्ण जी का एक बहुत ही सादा सा लेकिन काफी शक्तिशाली ऐसा मंत्र हम सीखने वाले हैं या सुनने वाले हैं। दोस्तों इसलिए मैंने कुछ लैपटॉप पे पॉइंट्स निकाले थे, इधर उधर से डेटा गैदर किया मैंने और सोचा कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। इस मंत्र के बारे में जानकारी भी मैं बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जी के अलग अलग नाम जैसे होते हैं, हम उन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, घनश्याम, गोपाल, बंसीधर, मुरलीधर, कन्हैया, नंदलाल, नंदसूत और कुछ नाम है श्री कृष्ण जी के, जैसे कि यशोदा नंदन, देवकी नंदन, गिरिधर, गोवर्धनधरी और श्रीहरि, और भी नाम है कृष्ण भगवान के। अब दोस्तों आपको तो पता है कि कृष्ण भगवान यह आठवां अवतार माना जाता है हिंदू पुराणों के हिसाब से, और आठवां अवतार भगवान विष्णु जी का, और कृष्ण भगवान जी को पूर्ण अवतार कहते हैं, संपूर्ण अवतार या पूर्ण अवतार कहते हैं विष्णु भगवान का। मैं उसके पहले के अवतारों के नाम लेता हूं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण भगवान। अब ये जो मंत्र है, पहले मैं आपको ये मंत्र बताता हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा था बहुत सादा लेकिन शक्तिशाली है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप में से ऑलमोस्ट सभी जनों को यह मंत्र पता होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं वीडियो में टाइटल में भी दिखाऊंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इस मंत्र में भगवान कृष्ण का भी नाम आता है और भगवान विष्णु जी का भी नाम आता है, तो दोनों का मंत्र है हम कह सकते हैं। इस मंत्र का मतलब क्या है कि हे भगवान कृष्ण या हे भगवान विष्णु, मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने देखा होगा इस मंत्र में 12 अक्षर है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय में 12 अक्षर है, इसलिए इसे द्वादशाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। इसका जो रेफरेंस है, यह मंत्र आपको कहां कहां पाया जाएगा, तो विष्णु पुराण में और भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत में भी यह मंत्र पाया जाता है। मैं आपको बहुत संक्षेप में इसकी कहानी या पौराणिक कथा बताता हूं। उत्तनपाद नाम का राजा थे और उनकी दो पत्नियां थी या दो रानियां थी, सुरुचि रानी और सुनीति रानी या रानी सुनीति। उत्तम ये रानी सुरुचि के पुत्र थे और ध्रुव बाल ये सुनीति रानी के पुत्र थे, ध्रुव। अब ध्रुव बाल छोटा सा बच्चा था, 5 साल के बच्चा थे और दौड़ते दौड़ते अपने राजा के पास जाके बैठ गए। तो ये जो सुरुचि रानी थी वो काफी जलती थी उससे, तो उसने उस 5 साल के बालक ध्रुव को उठाया और उसको धक्का मार के ढकेल दिया वहां से और उसको कहा, तुझे अपने पिता के पास बैठने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे अगर तुझे अधिकार पाना है तो अगर भगवान भी आएगा तो तू भगवान से ही अधिकार मांग के आ जा। तो क्या हो गया, ध्रुव बाल छोटा सा बच्चा था, रोने लगा, काफी नाराज हो गया और ठीक है मैं भगवान से ही परमिशन या परवानगी लेके ही फिर मेरे पिताजी मतलब राजा उत्तनपाद के पास बैठूंगा सम्मान पूर्वक, और वह जंगल में चला गया। बालक जंगल में गया, उन्होंने भगवान की भक्ति या उपासना करना शुरू किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना पानी, बैठ के सिर्फ भगवान का नाम लेते रहे। ऐसे वह क्या हो गया, वहां पे नारद जी या नारद मुनि प्रकट हो गए और उनको उस बालक पे ये कहो वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे पहली बार यह मंत्र दिया। कौन सा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे बालक ध्रुव आप विष्णु भगवान की उपासना करो, यह मंत्र का नाम जप करो तो आपको विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। फिर ध्रुव बालक ने इस मंत्र का जाप किया ओम नमो भगवते वासुदेव का और विष्णु भगवान उन्हें प्रसन्न हो गए और उनकी मनोकामना पूरी की। और उसके बाद की जो पता है कथा है कि उन्हें सप्तर्षियों ने ध्रुव पद दिया जो ध्रुव तारा होता है, तो वो स्टोरी में हम डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन एक मैं आपको रेफरेंस बताना चाहता था कि हमारे पुराणों में यह इसका उल्लेख कहां पे आता है। बाद में दोस्तों आपको भक्त प्रहलाद की भी कथा पता होगी, जो हिरण्यकश्यप राक्षस का पुत्र था, होलिका की कहानी है, और यह भक्त प्रहलाद भी इस मंत्र का जाप करते थे। और जब आपको पता है नरसिंह अवतार प्रकट हुआ और उन्होंने
हिरण्यकश्यपु राक्षस का वध किया, उस वक्त भी भक्ता प्रहलाद विष्णु जी का यही मंत्र का जाप कर रहे थे। अब इस मंत्र से क्या क्या फायदे होती है? सबसे पहले तो हमें मन शांति, मेंटल स्ट्रेंथ, आंतरिक शांति मिलती है बहुत ज्यादा। और ऐसा कहते हैं कि हमारे जो बुरे कर्म है अनेक जन्मों के, वो सारे नील हो जाते हैं, उन कर्मों का जो बुरा प्रभाव होता है वह नष्ट हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और इस मंत्र को मुक्ति या मोक्ष मंत्र भी कहते हैं। तो ऐसी सोच है कि हमारा जो जन्म मृत्यु के फेरे है अनेक जन्मों के, उससे भी इस मंत्र के जाप से हमें छुटकारा मिलता है, ऐसी मान्यता है। अब यह जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को आपको किसी गुरु से लेने की जरूरत नहीं है, गुरु दीक्षा के थ्रू इस मंत्र लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको कभी भी कह सकते हैं, किसी भी वक्त कह सकते हैं। जैसे मैंने कुछ वीडियोस में कहा है, आपका नित्य कर्म करते वक्त भी कर सकते हैं। कोई महिला अगर खाना पकाती हो, रोटी सेक रही हो या परोसती हो, उस वक्त भी अपने मन ही मन में इस मंत्र का जाप कर सकते हो। या आज के जीवन में लोग काम करते हो, ऑफिस में काम करते हैं, कोई इस तरह के लैपटॉप पे काम करता हो, ईमेल भेजता हो, उस वक्त भी अपने मन में इस मंत्र को आप कहते जाइए, ताकि उसका अजब अजब कुछ दिन बाद अपने आप शुरू हो जाएगा। इस मंत्र को करने के लिए कोई संकल्प या जैसे विनियोग कहते हैं, करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कठिन पूजा विधि करने की जरूरत है। इस मंत्र को किसी भी पंथ या किसी भी जाति का इंसान कर सकता है, बस श्रद्धा पूर्वक कीजिए। थोड़ी सी जानकारी मुझे ऐसी मिली कि स्वामी विवेकानंद जी भी इस मंत्र का जाप करते थे, या कोई अपने जो भाषण देते थे उसके शुरू में कहते थे, या कुछ पत्र लिखते थे स्वामी विवेकानंद जी आदरणीय, तो उसके ऊपर भी वो इस मंत्र को लिखते थे। और मुझे ऐसे भी कुछ रेफरेंसेस मिले कि भारत का जो स्वतंत्र संग्राम हुआ, उसमें हमारे कई सारे जो स्वतंत्र सेनानी थे या क्रांतिकारक थे, वो भी इस मंत्र का जाप करते थे। कुछ कुछ तो इस मंत्र का जाप करते करते हुतात्मा हो गए या फांसी के तख्ते पे भी चढ़ गए अपनी देश के लिए, भारत माता के लिए। तो इतना यह मंत्र प्रभावी है। तो भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि आप जो भी आपका नित्य कर्म करते हो, उस कर्म को करते करते आप यह मंत्र मेरा कीजिए, मैं आपके सामने खुद प्रकट हो जाऊंगा, मैं आपके संकटों का निवारण करूंगा। मुझे काफी सारे दोस्त या लोग मिले हैं जिन्होंने इस मंत्र का जाप किया है और उन्हें काफी सारे पॉजिटिव अनुभव आए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ज्यादा कर्मकांड में मत अटकिए, बस श्रद्धा भाव से इस मंत्र को आप करते जाइए। मंत्र क्या था दोस्तों, अब तब आपको याद हो गया होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।